हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आज मैं लेकर आई हूं एक बेबी फूड रेसिपी, यानी कि एक ऐसा वेजिटेबल सूप बनाने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि मिक्स वेजिटेबल सूप है, जो कि सर्दियों में आप अपने बच्चे को खाने के लिए देंगे तो बहुत हेल्दी भी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है बच्चों से को सर्दियाँ लगने से जो है बचाएगा, और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो आपको मैं इसके फ़ायदे, मतलब जो जो वेजिटेबल्स मैं डालूंगी तो उसके फ़ायदे मैं साथ साथ बताती रहूँगी, और साथ ही वीडियो के एंड में कुछ टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि वेजिटेबल सूप बनाते कैसे हैं। सूप बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर। टमाटर के फायदे, टमाटर में अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों की बोन्स के लिए अच्छा है और साथ ही इम्यूनिटी भी अच्छी रखता है। और लेंगे हरी बीन्स। हरी बीन्स के क्या फायदे हैं? हरी बीन्स बच्चों की आँखें के लिए अच्छा होता है, बच्चे को पेट को ठीक रखता है, दिल की बीमारियों से दूर रखता है और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। गाजर, गाजर के क्या फ़ायदे हैं? गाजर बच्चों की सेल्स को हेल्दी रखता है, लीवर को अच्छा रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बच्चों की इम्यूनिटी और आंखों के लिए अच्छा है। हरी मटर, हरी मटर के क्या फ़ायदे हैं? बच्चों के वज़न को ठीक रखता है, ये बच्चों के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बोन्स को मजबूत करता है और बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आखिर में हम लेंगे लहसुन। लहसुन के क्या फ़ायदे हैं? लहसुन कैंसर के खतरे को कम करता है, बच्चे को हेल्दी रखता है, बच्चों को सर्दियों से बचाता है और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके बाद हम लेंगे बटर। आप घी भी ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे काली मिर्च और हींग, ताकि बच्चे को गैस ना हो। सबसे पहले हम कुकर को गैस पे रख देंगे और गैस ऑन कर देंगे। गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है और अब हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। बटर डाल रहे हैं इसलिए फ्लेम को सबसे कम उस पर रखें, बहुत तेज होने से बटर जल सकता है। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग जरूरी है ताकि बच्चे को गैस ना हो। हींग डालने के बाद उसको हल्का हल्का चलाइए ताकि बटर जले नहीं। इसके बाद हम धीरे धीरे सारी सब्जियां जो है कुकर में डाल देंगे। टमाटर, मटर, गाजर, हरी बीन्स और लहसुन जो है एक ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा लहसुन डालने से कभी भी बच्चे खाते नहीं हैं। इसको अच्छे से चला देंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालें कि सब्जियां जो है अच्छे से डूब जाए और अच्छे से पक जाए। इसको अच्छे से चला देंगे एक बार। अब मैं इसमें एक चुटकी काली मिर्च डाल रही हूँ। मैं जो है बनते हुए डाल रही हूँ, वैसे आप बनने के बाद भी डाल सकते हैं। एक्चुअली पीहू नहीं खाती है इसलिए इसको मैं पहले ही डाल देती हूँ। इसको अच्छे से चला लेंगे। अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है तो आप अभी इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं, पर अगर बच्चा एक साल से छोटा है तो नमक मत डालिए। अब हम इसमें 6-7 सीटियाँ लगवा लेंगे ताकि सब्जियाँ जो हैं अच्छे से पक जाएं, बिल्कुल कच्ची ना रहे, वरना बच्चे को गैस बन सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि सीटियाँ आ रही हैं। 7 सीटी में लगवाऊंगी इसमें, और अब सब 7 सीटियाँ आ चुकी हैं। मैं इसे खोल लेती हूँ एक बार। देखिए सब्जियाँ अच्छे से पक गई हैं। एक बार चम्मच से हम देख लेंगे कितनी पकी हैं। हाँ, तो अच्छे से पक गई हैं सब्जियाँ। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। छोटे बच्चों के लिए सब्जियां अच्छे से ब्लेंड होना ज़रूरी है, वरना बच्चे को अटक सकती है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप थोड़ा उसको सॉलिड फॉर्म में भी रख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। आप मिक्सर में भी सब्जियां ग्राइंड कर सकते हैं सारी मिक्सर में, पर थोड़ा ठंडा होने पर। इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे ताकि बच्चे के लिए इसको खाना आसान हो।
कुछ बच्चे मोटी मोटी सब्जियां देखकर खाते नहीं है, तो आप उन बच्चों के लिए, जो बच्चे चाहे 1 साल से बड़े भी क्यों ना हो, उनके लिए भी ऐसे पेस्ट बना सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमारा ये सूप बन गया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और हमने निकाल लिया है। आप इसमें ऊपर से काली मिर्च, धनिया, ये सब भी डाल सकते हैं। आपका बच्चा बड़ा है, काली मिर्च तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। देखिए कितना फाइन पेस्ट बना है, छोटे बच्चों के लिए भी खाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बनाया मिक्स वेजिटेबल सूप बच्चों के लिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। और मैंने सभी वेजिटेबल्स के आपको फ़ायदे बताए, चाहे वो गाजर के हों, टमाटर के हों, मटर के हों, या बीन्स के हों, चाहे लहसुन के हों। तो इन सब के फ़ायदे आपको जानने के लिए मिले। साथ ही मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। टिप ये है कि अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप उसमें नमक मत ऐड कीजिए, अगर 1 साल से बड़ा है तो आप उसमें नमक डाल सकते हैं। साथ ही जो मैंने सब्जियाँ ऐड की हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बस वही यूज़ करनी है। अगर आपका बच्चे को कुछ और सब्जियाँ अच्छी लगती हैं तो आप वो भी डाल के बच्चे को खिला सकते हो, चाहे वो लौकी हो गई या फिर वो स्प्रिंग अनियन हो गया, जो भी आपके बच्चे को अच्छा लगता है वो मिक्स करके आप खिला सकते हो। अगर आपका बच्चा हरी मिर्च खाता है तो आप उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा टेस्ट आए। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बच्चों के लिए वेजिटेबल सूप बनाएं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारी सब्जियां अच्छे से पकी होनी चाहिए। अगर सब्जियां कच्ची रह जाएंगी तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को गैस हो सकती है, बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने हींग भी डाली है। हींग इसलिए डाली है ताकि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम जो कभी कभी हो जाती है वो ना हो। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो सूप है वो उन बच्चों के लिए है जो कि 8 महीने से बड़े हैं। अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं जो कि 6 महीने से बड़े हैं और 8 महीने से छोटे हैं, तो उनके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ इतने सारी सब्जियों को मिला के उन्हें सूप ना दें। उनके लिए आपको क्या करना है कि आप एक एक सब्जी का सूप बना के दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप गाजर का सूप बना के दें, फिर टमाटर का सूप बना के दें, धीरे धीरे बढ़ाएँ। स्टार्टिंग के 6 महीने के स्टार्टिंग में तो ना ही दें, पर उसके बाद धीरे धीरे एक एक का सूप बना के दीजिए। अगर बच्चे को सूट होता है तो आप बच्चे को फिर मिक्स वेजिटेबल सूप बनाकर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपके बच्चे को ये वेजिटेबल सूप जो है कैसा लगा। साथ ही मैंने पहले भी कुछ बेबी फूड रेसिपीज़ बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उनको ट्राई कर सकते हैं। मैं आगे भी ऐसी फूड रेसिपीज़ लाती रहूँगी जो कि उन बच्चों के लिए होगी जो कि 6 महीने से बड़े हैं, और 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए आगे फूड रेसिपीज़ लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।